माया, माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण। राजा नेमि ने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायामियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है, अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूं। आप लोग कृपा करके बतलाइए, योगीश्वरो, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूं। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं, वे उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। अब कृपया और कहिए। अब तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, भगवान की माया स्वरूपता अनिर्वचनीय है, इसलिए उनके कार्यों के द्वारा ही उनका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राण शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वह देह अभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। ये भगवान जी की माया है। अब वह कर्म इंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उसके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है और श्रीधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। ये भगवान जी की माया है। इस प्रकार ये जीव ऐसी अनेक अमंगल में कर्म गतियों को उनके फलों को प्राप्त होता है और पंच महाभूतों के परले पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। ये भगवान जी की माया है। जब पंचभूतों के परले का समय आता है तब अनादि और अनंत काल स्थूल एवं सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर उसके मूल कारण की ओर खींचते हैं। यही भगवान जी की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है। वर्षा बिल्कुल नहीं होती। परले काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोकों को तपाने लगते हैं। यही भगवान जी की माया है। उस समय शेषनाग संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती हैं तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती हैं। यही भगवान जी की माया है। इसके बाद परलेकालीन सांवर्तक मेघगण हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसता रहता है। उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यही भगवान जी की माया है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यही भगवान जी की माया है। वायु पृथ्वी को गंध खींच लेती है जिससे वह जल के रूप में हो जाती है और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। यही भगवान जी की माया है। और जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यही भगवान जी की माया है।
राजन, तदंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेता है, जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन हो जाती हैं। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने तीन प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है और महतत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है। फिर इसी के उल्टे क्रम से सृष्टि भी होती है। यही भगवान जी की माया है। यह सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमय माया है। इसका हमने आपसे वर्णन किया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं?